हाय गाइज, वेलकम बैक पम्पिक दुनिया व्लॉग में। और आज का व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, तो डेली की तरह मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह शाम क्या करना है, किचन में ही तो आना है, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भाजी, सूखी सिंपल सी भाजी, क्योंकि सुबह मसाले वाली सब्जी बनाई थी तो दोनों टाइम मसाले वाला खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और वैसे भी मेरी बेटी का फेवरेट है सूखी हुई सब्जी यानी भाजी खाने का, भिंडी का, तो बस रही। और मैं एक साथ दो दो भिंडी कट करती हूँ, देखती रहती हूँ कि कहीं सड़ा तो नहीं, बिना देखे तो कट भी नहीं करती हूँ, है ना। दो या तीन ले लेती हूँ और कट करती हूँ, इससे क्या होता है ना कि जल्दी कट भी जाता है और मेरा काम आसान हो जाता है। और इस साथ साथ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दूध। तो सबसे पहले मैं प्याज को भूनती हूँ, उसके बाद डालती हूँ भिंडी। और एक साइड में उन्हें बना दिया है, बिठा दिया है पापा के लिए और अपने लिए चाय। तो फिलहाल मैं पापा को एक कप दे दूँगी, उसके बाद तो मैं लास्ट में पीती रहूँगी। मेरी आदत है ना आराम से बैठकर चाय पीने की, काम करते करते मैं चाय पीऊँगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चाय का घूंट भी लिया है। और साथ ही साथ जो टोकरी में बर्तन है उसको भी मैं समेट रही हूँ, क्योंकि ऐसे बर्तन पड़ा रहता है तो गुस्सा आता है। और थोड़े बहुत बर्तन है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, थोड़े बहुत क्या ज़्यादा ही है, क्योंकि दोपहर के बर्तन मैंने क्लीन नहीं किए थे क्योंकि मुझे आ रही थी आलस और मैं खाकर सीधे चली गई थी सोने के लिए। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है, जो बहुत ज़्यादा करारी और ये मिट्टी बनता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, प्याज डालना है, लहसुन डालना है, मिर्चा डालना है, उसको भुनना है, हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद भिंडी डाल दो, बस हो गया। सब्जी बनाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई और ये थोड़ा ऊपर से लग भी गया है, तो अभी मैं गर्म कर रही हूँ। और इसके साथ मैं खाने वाली हूँ ये फैन खाती हूँ मैं यहाँ आने पर, वहाँ तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये मेरा और दीदी का और आपके भाई साहब का फेवरेट है ये, तो ये मैं खाऊंगी चाय के साथ। और फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ चाय को गरम। और दूध भी मुझे मंगाना पड़ेगा क्योंकि दूध कम है, यहाँ भिंडी पड़ी हुई, अभी किचन भी साफ़ करना है, मुझे लगी बड़ी तेज़, तो मैं खा लूँगी उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। बाकी यहाँ दही जम गया है, यहाँ भाजी बन गया है और ये थोड़ा सा दाल बचा हुआ है दोपहर का, तो इसको मिला जुला कर हम लोग खा लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मैं पीने वाली हूँ चाय। और यहाँ पे आयुष बैठा है जो अपना सड़ा हुआ दांत दिखा, हंस रहा है सड़ा हुआ दांत दिखाकर। अच्छा बता आयुष, तुमको क्या खाना है? ग्रीन वाला लेज इसको खाना है, लाल और पीला, नीला, लाल और पीला, नीला, ओएस इसको खाना है, लेस क्या करना? इसको नीला और पीला। जब पिछली बार मैं घर आई थी तो आपको बताया, मैं उस टाइम बोली थी कि मैं अपने किचन के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी, जो मिस्टेक हमने किए, ताकि वो मिस्टेक आप लोग ना करें और आपका जो पैसा है वो बचे, या फिर आप जो पैसा लगा रहे हो वो आपका मतलब सही जगह यूज हो। और सबसे पहली बात, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शाम का टाइम है, बच्चे बाहर खेलने निकले हैं अड़ोसी पड़ोसी के, तो माइंड मत करना, इग्नोर करना। तो मैं सोची कि अगर मेरे पास मेरे साथ जो हुआ है, मतलब हमने जो कुछ गलतियाँ की या फिर जो हमारे कारपेंटर ने थोड़ी बहुत जो गलती की है, तो वो गलती आप ना करो, तो इसी के बारे में अभी लेकर आई हूँ एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी नैनो वाइट के बारे में। मैंने स्लैब लगवाया था नैनो वाइट का और मेरा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश था, कहो कि एक सपना ही था वाइट किचन रखने का। मतलब स्टार्टिंग से था मेरे दिमाग में कि जब भी मेरा किचन बनेगा तो मैं नैनो वाइट ही लगवाऊंगी। बाद में पता चला कि नैनो वाइट होता है, मुझे नहीं पता, इतना था कि मुझे वाइट ही लगवाना है मेरे दिमाग में था। तो ये सोच के मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे पता चला कि नैनो वाइट है वो काफ़ी मतलब एकदम प्योर वाइट होता है और दाग वाग नहीं लगते, ठीक है, ऐसा उसमें बताया गया, ठीक है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने वाइट लगवाया। देखो मैं मेंटेन कर सकती हूँ इसलिए मैंने वाइट लगवाया, ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि इंडियन किचन है, इंडियन किचन में मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा बनती है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में मसाले वाली चीज़ें नहीं बनेंगी, तो आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, अगर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बनती है तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती मेरी ये कि मैं अपने किचन में वाइट लगवाई और अब इस नैनो वाइट की हालत ये है कि इस पर थोड़ा सा भी दाग लग रहा, मतलब हमेशा नहीं,
अरे अरे आप किचन बनाओगे 10 साल 15 साल सोच के तो नहीं बनाओगे ना, एक अच्छा खासा आपका अमाउंट जाएगा, तो आप सोच के बना गए कि लाइफ टाइम आप इसको रखो, या फिर बाद में 10, 15 या 20 साल के बाद चेंज करना हो तो आप चेंज करोगे। तो खाना बनाते बनाते इसमें दाग लगना ही लगना है, ये उसने बताया गया है कि ये नॉन पोरस है, ये सोखता नहीं है, लेकिन लगते लगते ये इस पर दाग लग ही जाएगा, तो वाइट नहीं लगवाना अपने किचन में। मेंटेन कर सकते हो, दिन भर लग सकते हो किचन में, साफ़ करने के लिए एक जीरा भी गिरता है तो दिखता है वाइट में, मेंटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है, लगवा सकते हो। अगर नहीं लगवाना चाहते हो, नहीं कर सकते मेंटेन, तो आप नहीं लगवाना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये, दूसरी बड़ी गलती ये, एक तो मैंने वाइट लिया, नैनो वाइट लिया, और मैंने स्किल कारपेंटर, जो स्किल होते हैं ना कारपेंटर, वो नहीं रखा, ठीक है। दूसरी मेरी बड़ी गलती ये, उन्होंने क्या किया, ये एक पीस में लगता है, मैं बोली थी मुझे 2 पीस में चाहिए था, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबा सा, और एक चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 पीस में आ जाता। पर मेरी गलती कि मैंने कारपेंटर स्किल नहीं रखा, तो उन्होंने क्या किया, एक कट यहाँ मार दिया, एक ये कट यहाँ मार दिया जो बहुत गंदा लगता है, दूसरा यहाँ लग गया, ये तो छोड़ो यहाँ पे, यहाँ जबकि कोई जॉइंट नहीं है, उन्होंने यहाँ भी इसको फाड़ दिया, और बाकी इस ऊपर से सोने में सुहागा इसको घिस दिए, जबकि इसको घिसते नहीं है, इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते, उन्होंने इसको घिस दिया तो यहाँ इसका कलर निकल गया, आप देख ही सकते हो पीला पीला दिखता है, बहुत गंदा लगता है। तो ये गलती नहीं करना, अगर बाई चांस अपने किचन में नैनो वाइट लगवाते, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो जिस दुकान से लेकर आते हो उस दुकान से ही अपना डायमेंशन लेकर किचन के स्लैब का आप वहीं से कटवा के ले आना, अपने कारपेंटर से या फिर जो टाइल्स वाले होते हैं अंकल वगैरह, उनसे नहीं कटवाना, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, मेरे किचन का लुक तो वैसे इससे ज़्यादा ख़राब हो गया कि जॉइंट 3-4 हो गए हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब। अब ये होगी स्लैब की बात, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर गैस चूल्हा रखते हो, ठीक है, हर किचन किसी के किचन में आता है, अब आप देखो मेरा पाइप कहाँ से जा रहे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती, हमारे पास गैस चूल्हा था तो उन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, इसको रखना चाहिए था यहाँ पे, ये जॉइंट है ना यहाँ पे, हमने जो पाइप लगाया है यहाँ रखते तो ये पाइप सीधे यहाँ जाता, तो जो हमारा जो गैस चूल्हा ये थोड़ा और पीछे हो जाता तो हमारे लिए सही होता, उन्होंने क्या किया यहाँ पर होल्ड कर दिया, पाइप यहाँ से आता है, अब ये चीज़ है ना ये हिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये जा नहीं सकती। तो आप इसका भी, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी चीज़, आप देखो तो छोटी है लेकिन काम की चीज़, आप ध्यान देना। अगर आपके पास हॉब लगवाना है या फिर गैस चूल्हा रखना है तो पहले से ख़रीद के रख लो, उसके हिसाब से अपना होल करवाओ, जो भी करवाना, ये होगी इसके बाद। अब आते हम ड्रॉर के बारे में, ड्रॉर ये जो हमारा सरदर्द अभी बना हुआ है, एक सपना लेकर हमने किचन बनवाया, हम सब पूरी फैमिली का सपना था कि हमारे पास मॉडुलर किचन हो, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये ऊपर है, ये चीज़ अंदर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये अंदर दबा हुआ है, यहाँ देखो ये बाहर निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इससे थोड़ा सा निकला हुआ ये है, इससे थोड़ा निकला हुआ ये कोई भी ड्रॉर बराबर नहीं है, सब थोड़ा आगे पीछे है, जबकि ये चीज़ ना बिल्कुल इक्वल होती, एकदम इक्वल, और इतना गैप भी नहीं होता है, और ये चीज़ तो होता ही नहीं है, बाई चांस अगर आपके किचन में जॉइंट भी है, होता ही है, तो उसको भी ये लोग ढक देते हैं, और इतना ये अंदर नहीं होता, ये निकला नहीं होता, ये ऐसे होता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये बराबर होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो कारपेंटर की ये सबसे बड़ी गलती, उन्होंने इसको अंदर करके बना दिया, ये दिखता है, गंदा लगता है, इसको ढका जा सकता था, उन्होंने इसको बाहर कर दिया, ये सारा ड्रॉ ऊपर खावड़ उबड़ खावड़ है, और मैं तो बोलूँगी पैसा लगा रहे हो, सपना आपका है, चीज़ें लेने जाओ, खुद जाओ, साथ में जाओ, हमारी बड़ी गलती यही थी, हम चीज़ें नहीं लेने गए, हम उनको दे दिए पैसे, आप लेकर आओ। अब क्या है कि ये देखो इस पे दाग, कितना भी मैं कपड़ा मारूं, गीला कपड़ा मारूं, सर्फ लगा के मारूं या फिर कॉलिन लगा के करूं, ये साफ़ नहीं होता है, पता नहीं क्यों साफ ही नहीं होता है ये, तो इसका भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ड्रॉर की बात होगी, इसके ऊपर आप ध्यान देना, अच्छे से नाप तोल कर खड़े होकर देखना कि आपका सब चीज़ बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, अच्छे से, बहुत ज़्यादा गैप है, ये गैप ऐसे ही दिखता है, मैंने काफ़ी लोगों का किचन देखा है, गैप इतना नहीं दिखता है, गैप दिखता है,
तो ये सब भी ध्यान देना, ठीक है। और दूसरी चीज इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, खैर ये उनकी गलती नहीं, ये हमारी गलती है, ठीक है। कैंटीन का सामान रखती, ठीक है। उस टाइम मेरा दिमाग नहीं आया, मैंने उनको बोल दिया कि बड़ा सा अब बना दो, अब ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक ही बार हम यहाँ सामान रखते, अगर हम यहाँ पे एक और स्लैब बनवा देते तो हमारा अच्छा खासा एक कंटेनर रखने का बन जाता जगह, हम उसमें किचन का सामान रखते। तो अगर आप लोग ये बनवाते हो कॉर्नर वाला, ये तो ठीक बनवाए कि इसको ऐसे करके आप फोल्ड करके खोल सकते हो बंद कर, लेकिन यहाँ पे एक स्लैब और लगवा लेना अपने डब्बे के हिसाब से, एक हो या दो हो, लेकिन सिंगल मत रखवाना, ठीक है। और दूसरा ये इस तरह का कांच, ये भी हमारी गलती है, कारपेंटर की गलती नहीं, हर बार उन्हीं की गलती नहीं होगी। कांच ऐसा नहीं लगवाना, अगर अपने किचन में कांच लगवाते हो, ये कुछ भी दिखता नहीं, विजुअल नहीं होता। सपना था मेरा कि इस कांच लगवाऊंगी और शीशा क्या बोलते हैं लाइट भी लगवाऊंगी, तो ये मैंने इस तरह का कांच लगवा दिया, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। चिमनी अगर लगवा रहे हो आपके किचन में, तो यहाँ पे भी स्पेस सेविंग के लिए यहाँ पे भी ड्रॉर बनते हैं आजकल, पुल आउट बनते हैं, आप वो बनवा लोगे तो छोटे छोटे डब्बे रखने के लिए आपकी जगह बन जाएगी, और अपनी चिमनी को ढकवा देना, तो आपका किचन जो है ना इक्वल लगेगा, ठीक है। एक क्लिप ऐड करूँगी जो जब मेरे आने से 2 दिन के बाद का है, ये जो इसमें हम डब्बे वब्बे रखते हैं, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्या था, अपने आप मर्जी से निकल के बाहर आ जाता था, मतलब कुल मिला के किचन का हमारा कबाड़ा हो रखा है। अभी कितने दिन हुए, 1-1.5 साल हुए ना, कभी कभी ये ख़राब होता है, कभी ये ख़राब होता है, कभी ये ख़राब होता है, ये ख़राब था, इसको इसको आके अंकल ने ठीक किया, ये अंदर जा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो उसको उन्होंने ठीक किया, तो ये अपने आप बिना मर्जी के ये भी बाहर आ रहा है, अपनी मर्जी का ये आ रहा है, और बीच में हम लोग खड़े होकर खाना बना रहे, ऐसे ऐसी पोजीशन होती थी हमारी, ऐसे कुछ ये खुला है, ये खुला है, हम लोग बीच में खड़े होकर खाना बनवा रहे, मतलब बना रहे। कहने का ये मतलब है कि किचन में जब भी आप पैसे लगा रहे हो, आप साथ में जाओ, चीज़ें अपनी पसंद के लेकर आओ, अच्छे से जांच पड़ताल करके लाओ, देख सुन कर लाओ कि कौन सी चीज़ें सही रहेगी, क्योंकि अच्छा खासा पैसा जा रहा है, और हमारा तो सत्यानाश हो रखा है किचन का, कहने वाली चीज़ नहीं है। पिछली बार छुट्टी में आई थी, ये टकरा रहा था उसमें, जो जब आप ये बनवा रहे होगे अपने थाली प्लेट रखने वाला, तो सबसे बड़ा थाली जो आपके घर में होगा उसको लगा के देखना कि ये आ रहा है कि नहीं। अब मेरे घर में सबसे बड़ी थाली ये है, ठीक है, ये सब तो आ जाती, अब ये अंदर जाती है तो ये थाली ऐसे होती है, और जब हम बाहर खोलते हैं ऐसे अटकते हुए आवाज़ करते हुए ये ज़बरदस्ती आती है झटके से। तो जब किचन बनवाना तो बड़ी वाली थाली रख के देख लेना कि सही है कि नहीं टोकरी, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत आपको होने वाली है, ठीक है। मैं तो कहूँगी अगर आपके पास पैसे है ज़्यादा, थोड़ा मतलब 3-4 लाख है, तो जो ब्रांडेड आते हैं ना गोदरेज वगैरह के जो होते हैं ना ब्रांड वाले, उनको हायर कर लो, वो अच्छे से बना देते। नहीं अगर 1.5-2 लाख है तो अच्छे कारपेंटर को ढूंढ कर बनवा लो तो अच्छा रहेगा। तो ये रहा किचन का हाल, क्या बताऊँ मैं, दुखी हो गए हम लोग, सपना बना और अधूरा भी हो गया। तो भाई देख लेना आप लोग कि आपके किचन में कैसा क्या काम होगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा दुखी तो हम लोग इस वाइट के चक्कर में हो गए, मेरी ही गलती है, मुझे डांट सुनने को मिलती है अपनी सासू माँ से, तूने ही तो लगवाया है वाइट, मुझे क्या पता कि इसकी ये हालत हो जाएगी, ठीक है। तो वाइट नहीं लगवाना, ब्लैक लगवा लो, सबसे अच्छी बात ब्लैक लगवा लो यार, इंडियन किचन में मसाले तो बनेंगे ही बनेंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे पक्का, पूरे दिन कपड़े नहीं मार सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा के अपना किचन बनाते तो आपको कैसा किचन रखना चाहिए, कैसे कारपेंटर को हायर करना चाहिए, कैसा टाइल्स लेना चाहिए, क्वार्ट्स लो, नैन वाइट लो, जो भी लो अपने सहूलियत के हिसाब से लो, ठीक है। सो गाइस अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो पता ही आपको क्या, सो गाइस अगर मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आई होप आप लोग भर भर के प्यार दोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।